खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और जिक्र कर लेते हैं कारगिल विजय दिवस का। कारगिल विजय को आज 20 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश पाकिस्तान पर बड़ी जीत का जश्न मना रहा है। 26 जुलाई यही वो तारीख है जब 1999 में भारत माता के सपूतों ने कारगिल में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कारगिल में 8 मई से 26 जुलाई तक जंग चली। इस लड़ाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, करीब 1363 जवान जख्मी हुए थे। 26 जुलाई को देश विजय दिवस के रूप में मनाता है, जिस दिन कारगिल में घुसपैठिए के रूप में पहुंचे पाकिस्तान के एक एक सैनिकों को खदेड़ दिया गया। आज उस विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। देश की सेना 25 से 27 जुलाई तक जीत का जश्न मना रही है। जम्मू कश्मीर के द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक में बड़ा आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां मौजूद रहेंगे। थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा भी मौजूद हैं। इस मौके पर बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दोबारा कारगिल की गलती ना दोहराने की चेतावनी भी दी। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सेना प्रमुख बिपिन रावत सहित कई अन्य सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे। तो दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 27 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कारगिल विजय दिवस इवनिंग कार्यक्रम के साथ विजय दिवस का जश्न खत्म होगा, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। देश आज शहीदों को नमन कर रहा है, अपने अपने अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक में शहीदों के नाम के दिए जलाए गए। हजारों फीट की ऊंचाई पर कारगिल की इन पहाड़ियों में आज शान से तिरंगा लहरा रहा है, मगर कारगिल में हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने वाली जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, उसके लिए देश की सेना के सैकड़ों शूरवीरों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज 26 जुलाई को कारगिल दिवस के दिन उन्हीं शहीदों को याद करने का वक्त है और इसीलिए तिरंगे के ठीक नीचे कारगिल में शहीद हुए जवानों के नाम दिए जलाए जा रहे हैं। द्रास में वार मेमोरियल यानी युद्ध स्मारक जहां दिए जलाए गए, ये दिए जलाए गए हैं उन सभी शहीदों के नाम पर जो अब से ठीक 20 साल पहले, जब वो मई जून जुलाई 1999 में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ाई लड़ते लड़ते देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, उनको याद करने का वक्त है, उनके शौर्य को सलाम करने का दिन है। 20 साल पहले जो जवान शहीद हुए थे, मरणोपरांत उन जवानों को सम्मान देने के लिए सेना के बड़े बड़े अधिकारी द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक में पहुंचे और दिए जलाए उन शहीदों के परिवार वालों ने, और आर्मी चीफ बिपिन रावत ने और एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोवा खास तौर पे आए थे, और उस वक्त जो आर्मी चीफ थे वीपी मल्लिक वो भी यहाँ आए थे। शहीद के परिवार भी थे, उस वक्त जो सेना में अफसर थे उन लोगों ने भी यहाँ दिए जलाए और याद किया उस दौर को, उस वक्त को, और उन बहादुरों को, उनकी कुर्बानियों को और उनकी बहादुरी को। सबको सलाम, हम भी उन बहादुरों को, उन फौजियों को सलाम करते हैं। कैमरामैन सुंदर के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज द्रास।